बड़ा खूबसूरत है। राजेंद्र वर्मा जी बड़े पुराने हमारे मित्र हैं और सतीश जी को भी जानता हूँ। हमारे इंतजार साहब भी हमारे सारे कोचिंग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ईश्वर जल्दी कंप्लीट करें, सक्सेसफुल हो, हमारी शुभकामना है। एक वेल विशर के तौर पर नया आयोजन बड़ा अपना सा मिला है, यहाँ पर प्यार मिला है। हमारी शुभकामना है कि फिल्म जल्दी बने और जितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अनारा जी हैं, रिश्वर जी हैं, झील हैं, बाकी एकड़े तमाम आर्टिस्ट हैं, सबको शुभकामना मिल रही है। मैं आपसे चाहूँ क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरह का प्रोजेक्ट है बेसिकली और क्या किरदार निभाने हैं इस प्रोजेक्ट में? जैसे कि आपको लग रहा होगा टाइटल से ही गंगा की गौरी एक फीमेल और सब्जेक्ट है और मैं गंगा का किरदार निभा रही हूँ और बहुत एक्साइटेड कि केला के ही मेरे जीवन में भी संघर्ष रहा है और ये फिल्म भी इसी तरह है कि एक नारी के संघर्ष की कहानी है कि नारी कैसे एक समाज में अपने संघर्ष करते हुए उसके अंत में जो वो पहुँचती है और मुझे होती है तो उसकी कहानी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और पाखी जी जो है वो गौरी का किरदार निभा रही है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाखी जी के साथ वापस काम करने के लिए और बहुत ही अच्छी फिल्म है। जब राजेंद्र जी ने ये कहानी मुझे सुनाई थी मैंने और कुछ सोचा ही नहीं कि क्या कैसे कब, तो मैंने उन्हें सीधे हाँ ही की थी इस फिल्म के लिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कहानी है। इतने सालों बाद एक ऐसी नारी को नाम सुना जिसमें वाक्य में नारी का एक ऐसा रूप देखने को लोगों को मिलेगा कि जिसमें लोगों को लगे कि हाँ जो टाइटल है गंगा की गौरी उसके साथ जस्टिस किया है। अनारा जी आप काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी हो गई पहले की अपेक्षा, क्या कुछ राज है फिल्म के लिए तैयारी कर रही है क्या कुछ इसके पीछे? जी ये मैंने अपने लिए तैयारी की आई थिंक बहुत सालों से लोग एक अलग अनारा को देखते आ रहे थे इतने सालों से, अब जो अनारा आई है वो अनारा 2.0 है, बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मैंने 21 किलो कम किया है इस दौरान और मैं खुश हूँ कि मैंने एक अचीवमेंट की है और ये मैंने अपने लिए की है। डेफिनेटली मेरी फिल्मों में तो उसका असर आएगा ही क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हैं आप पतले हो जाते हैं और आप ज़्यादा फिट हो जाते हैं तो आपको काम उस तरह से मिल रहा है। या मैं चाह रही हूँ कि मैं स्विच करूँ थोड़ा कुछ और इंडस्ट्री में, तो बस इसी तैयार किया। सर आपने आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या मतलब किरदार निभा रहे हैं क्या? सबसे पहले तो और ये प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँ क्योंकि मैं कल ही मुंबई आया और उधर मैंने सोचा फाइनल हुआ था उनकी स्टोरी बारे में ज़्यादा नहीं मालूम लेकिन है जिस तरह से टाइटल था गंगा की गौरी बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाई है। जी बलेश्वर जी आप विलन का रोल काफ़ी करते हैं, ये मान के चले कि इस फिल्म में भी आप विलन ही बनने वाले हैं? नहीं यार, इस बीच में मैंने काफ़ी फिल्म पॉजिटिव भी किया था तो अब कितना कह सकता कि मैं विलन हूँ या पॉजिटिव हूँ, लेकिन यह है कि हमारे डायरेक्टर साहब राजेंद्र जी जो अगर मुझको विश्वास किया है कुछ अच्छा ही सोचे होंगे तो जब सोचा होगा बैठेंगे हम लोग तो और बड़े थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो सारे मीडिया के नाम करता हूँ और ये मेरे जीवन का बहुत ही सुखमय समय है और आज 4 सालों से मैं इंतजार कर रहा था इस फिल्म के लिए, संघर्ष चल रहा था कि आज बनेगी कल बनेगी, वो समय आज आ गया और समय के साथ साथ हमारे साथ अनारा जी भी आई, बाकी जी आई, परेश्वर जी आए, अमन श्लोक जी इसका म्यूजिक कर रहे हैं जो हमारे पुराने संबंध हैं भैया के साथ में, हीरा यादव जी इसके मतलब आम किरदार में है, तो सारे लोगों का एक टीम वर्क है और इस फिल्म को बनाने का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये नारी प्रधान फिल्म है, टाइटल इसका है गंगा की गौरी, एक गौरी के जीवन का संघर्ष है और एक गंगा के जीवन का संघर्ष है, दोनों के बीच की कहानी है। सर नारी प्रधान कहानी है, कौन सी नारी सर? इस वक्त भारत देश में 2 प्रकार की, एक ग्रामीण है, एक जो है शहरी है, तो ये जो गौरी जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्र से होती है और गाँव की मुखिया होती है और गांव की मुखिया होने के नाते उनका कार्य दायित्व जो होता है वो लोग उससे उसे पसंद करते हैं
और तमाम सारे उन चीज़ों को उन योजनाओं को उन तक लाती है जो योजनाएं सरकार द्वारा आती हैं, इसलिए वो जो है अब चर्चित होती हैं गांव समाज में। और धीरे धीरे उनको उनके जीवन में ऐसा भी संघर्ष आता है जब उनको अपना घर छोड़ के निकल जाना पड़ता है। सर आज क्या कहते हैं प्रोजेक्ट को लेकर, कब शूटिंग शुरू होगी, कब तक बढ़ते पाने की उम्मीद है, कहाँ कहाँ होगी शूटिंग? गोरखपुर में होगी शूटिंग और 15 नवंबर से चालू होगी। जी दोनों बहुत ही सभ्य इंसान है, मेरे पास जो भी फिल्म लेके आए और जब मैंने कहानी सुनी और राजेंद्र जी ने जो मुझे बोला कि अनारा जी 4 सालों से इस कहानी पे काम कर रहा हूँ, इसको बेहतरीन कलाकारों के साथ बनाने का मेरे को सपना था, आप और बाकी जी जब सत्ता जुड़ी है तो मुझे लगा कि मैं फिल्म का सही मूव हुआ है। और सतीश जी बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी फिल्म बनाएं, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, मेरा पाठी जी का बालेश्वर जी गुरबोध जी जितने भी स्टार कास्ट है जितने क्रू है सबकी पूरी पूरा का पूरा सहयोग रहेगा कि एक फिल्म एक बहुत अच्छी फिल्म बन के आए और लोगों तक पहुँचे और थिएटर में। जी नमस्कार, मैं हूँ अमन श्लोक संगीतकार और आपने मेरा एक बहुत ही हिट पाठ सुना होगा फिल्म के और आज सबसे पहले तमाम मीडिया का शानदार इस्तेमाल करता हूँ आप इवेंट कवरेज करने के लिए आए। गंगा की गौरी एक बहुत ही बेहतरीन महिला प्रधान फिल्म है और देखने से लगता है कि जिस तरह की फिल्मों का आज चॉइस है कि दर्शक किस तरह की फिल्म अक्षय फिल्मों से जो दूर भाग चुके हैं, ये फिल्म से एक नया अध्याय शुरू होगा मेरा ऐसा मानना है। और हमारे युवा निर्देशक हैं राजेंद्र वर्मा जी, बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छी टीम बनी है, अनारा गुप्ता जी हैं, केसर जी हैं, प्रमोद प्रेमी हैं और सभी बड़े बड़े कलाकार हैं और मुझे संगीत बनाने की जिम्मेदारी मिली है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बहुत ही सुपरहिट संगीत बनाऊँ और सभी लोगों को विजयादशमी की मैं शुभकामना देता हूँ। सर संगीत की बात की तो किस तरह गाना है, कोई ऐसा पॉपुलर गाना बताइए? ओ जरा थम के बरस। बिजोड़ पाड़ को संग्राम गंगा तोरे देश में बात खिलाड़ी बात तेजाब सावरिया इलनूर मुरा बलमा छिला हजारों फिल्मों में मैंने किया है काम। और नेटफ्लिक्स पे आप मेरा जामताड़ा वेब सीरीज देखते हैं, सीजन 1 सीजन 2 मैंने किया है और अभी सफ़र बहुत लंबा है, बहुत काम करना है और गंगा की गौरी के लिए मुझे सबसे बढ़िया एक अलग सा संगीत बनाना है। यात्रा तो बहुत लंबी है, बस आप लोगों का प्यार और उदार चाहिए। सर आप क्या कहना क्या चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? नमस्कार, मैं हूँ आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह और दशहरा की हार्दिक शुभकामना आप सबको। और गौरी की गंगा फिल्म का आज शुभ मुहूर्त हो रहा है तो मैं बहुत सतीश भैया सतीश सिंह जी प्रोड्यूसर हैं उनके लिए और अपने जो राजेंद्र जी है डायरेक्टर और पूरी टीम को हार्दिक शुभकामना मैं देता हूँ, एक फिल्म बने और सुपर डुपर हिट हो। बेसिकली अनारा गुप्ता जी है बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं और पाखी जी हैं और जितने भी दिग्गज कलाकार सामने बैठे हमारे भाई बालेश्वर भाई, तो मेरी शुभकामना है कि हिट हो। मैं आपसे अपने भाई को फिल्म में फिल्म में क्या कहते हैं क्या किरदार है और कितनी ऊंचाई को लेकर पहले बच्चे दीजिए जी। नमस्कार, मेरा नाम जी है और आप सभी को हैप्पी दशहरा। इसमें मैं सेकेंड लीड का रोल कर रही हूँ, आई का है, बहुत अच्छा किरदार है, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है डायरेक्टर बट थोड़ा बहुत गाने वगैरह है, बहुत अच्छे सॉन्ग है। अच्छा सबसे पहले आप सभी को दशहरा की शुभकामना है और ये जो प्रोजेक्ट है उन्होंने 4 साल पहले मेरे भाई राजेंद्र जी और भाई हमारे 4 भाई जो है हमने 4 साल पहले शुरू किए थे और लॉकडाउन आ गया और ये प्रोजेक्ट रुक गया और ये इन्होंने बताया गया कि खिलाड़ी का नाम रुक है, इसमें मेरा साइड रोल है केवट का, जो एक माझी का रोल कर रहा है, वो केवट सबको इस पार छोड़ता है लेके आता है और इस भाई ने बहुत मेहनत की है और इसमें मैं गाना भी गा रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है
और आप सबसे प्रार्थना है कि दुआएं कीजिए कि ये फिल्म बने और रिलीज हो और हिट हो, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेंद्र जी आपको। सर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ रैपर केशवर और अंगा की गौरी बहुत अच्छा साउंडिंग स्कूल गुड अच्छा लग रहा और सबको जो स्टार कास्ट के लोग हैं सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। समय पर बनाएं और समय पर रिलीज करें। सर गायक तो गुनगुनाई है तो गाना आपका भी फेवरेट होगा। हमारे पूर्वजों की पहली की कहानी, हमारे बाप दादा और नाना नानी की जो कहानी बुझता बुझता तारा घरे गईनी बिना पूछने लेके बैठ गईनी बुझता लाल ठकना धहका ठकना खोल खिड़की पहुँचाओ पटना बुझता लेटर बॉक्स सबको तो पता ही होगा। नमस्कार सर, सभी पूरे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उदय भगत है और ये गंगा की गौरी फिल्म बनने जा रही है जिसका शूटिंग है और इसमें एक किरदार पे मैं काम करूँगा। इसमें जो सो इसके निर्माता जो है सो सतीश सिंह जी है, केकर सिंह जी है और इसके डायरेक्टर है राजेंद्र कुमार वर्मा जी और सभी उम्र की सब पढ़ रही। थैंक यू सर, थैंक यू। और चाय नहीं पिलाया जा रहा है। हाँ, इंटरव्यू कर लो, पहला इंटरव्यू कर लेते फिर वो इंडिविजुअल कर लेंगे। पहली बार आप लोग के सामने आया हूँ, पहली पिक्चर बना लिया। सबसे बड़ा योगदान मेरे राजेंद्र बाबू हैं और इन्होंने इनकी पिछले 4 साल में लगा और मेरी गंगा की गौरी बनाने का अनुभव में लगा और माता रानी का आशीर्वाद है कि गंगा रानी माता रानी की देन से ये पिक्चर शुरू हो गई है। इनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी, इनको बड़े ऑड्स में मतलब ये बोल रहे हैं कि घर में से बीवी जी मना कर रही है पिक्चर मत करिए, घर में से बाकी सब मेंबर्स बोल रहे हैं मना कर रहे हैं पिक्चर मत बना, लेकिन मुझे मन है क्योंकि मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा तो इनकी वो मतलब एक जो बोलते ना कि इनोसेंस वो एक बड़ी भाग गई कि कई बार ऐसे होता है कि कई ऑड्स आते हैं काम करते वक्त लेकिन सब ऑड्स को जब पार करके इंसान थोड़ी कोशिश करता है तो कुछ अच्छा निकल के आ जाता है। और हमारी कोशिश ये रहे कि कोई नए प्रोड्यूसर्स हमारे इंडस्ट्री में आए तो हम उनको वेलकम भी करें और उनके उनके उस चीज़ों को जतन करके हम उसको पर्दे पे उसी तरीके से ला के रखाएं जिससे उनका भी अच्छा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.